प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए भारत के चुनावों पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, इनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब जो कि उनको चाइना से ज्वाइन करेंगे और वो एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पे आपके लिए डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके उसे भी जरूर देखें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। फवाद चौधरी साहब जो है वो मोदी जी से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। वो उनका ट्वीट आया था दो दिन पहले, वो बोल रहे थे कोई ऐसी बात दोस्तों मुझे बताओ जिससे मैं तारीफ कर सकूं। और अगर मैंने वहां पे रिप्लाई किया था जिसके बाद उन्होंने भी मुझे रिप्लाई किया, तो आप बताइए कि वाकई में फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं। चलिए फवाद चौधरी की तो दो चीजें हैं, पहली बात मैं एक आंसर दे दूं आपको। आपने बोला कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, भूल जाओ, ये कभी शुरू नहीं होगा। ये आप सपने लेते रहो, सपने में भी पूरा नहीं होगा, फिजिकली तो क्या होना है, इसलिए आप तो भूल ही जाओ। दूसरा, फवाद चौधरी ने पहले तो ट्वीट कर दिया राहुल गांधी इज ऑन फायर। अब उसका आंसर तो मिलना जरूरी है कि इसका मतलब क्या था कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। उसका मतलब ये था कि क्योंकि राहुल गांधी मुंह से जो बोलते हैं तो आग निकलती है, तो अब उनकी तशरीफ में से भी आग निकल रही है, तो इसलिए फवाद चौधरी को पता लग गया कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। वो रॉकेट की तरह 4 जून के बाद उड़ने वाले हैं, भारत से बाहर जाएंगे और जाते हैं कहीं ना कहीं बैंकॉक भूकंप जाके वहां पर वो मेडिटेशन करने जाते हैं रात के टाइम पर। तो एक तो ये था कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। दूसरा, मोदी जी में कोई अच्छाई फवाद चौधरी को देखने की जरूरत नहीं है, उनको बोलो पहले अपने आप में तो कोई अच्छाई ढूंढ लो यार, दूसरों की अच्छाई तो बाद में ढूंढी जाती है, पहले अपने आप में ढूंढिए। तो इसलिए वो जो डब्बू है, डब्बू ऐसे ही काम कर सकता है, जैसे हमने इमरान खान को पैसे दिए थे कि तुम पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, हम जो आपकी आर्मी है उसकी पतलून उठा के ले जाओ, आपको मालूम है इस चीज का। तो जैसे हमने ये काम किया था वैसे ही आपके भी वहां डब्बू जो है हमारे यहाँ पे जो पप्पू है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हम आपके पप्पू को सपोर्ट कर रहे थे, आप हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही होता है दुश्मन कंट्रीज पे। आज जेल में इमरान खान के 4 डंडे एक्स्ट्रा पड़ेंगे, ये यहाँ स्टेटमेंट दे देते हैं, वहां इमरान खान एक्स्ट्रा कूदता है, सही काम करते हैं। अच्छा, कल परसों मैं देख रहा था एक सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, पता नहीं सीनियर है कि नहीं लेकिन जर्नलिस्ट तो है, उन्होंने ट्वीट किया था कि इमरान खान ने एक आम का पौधा लगाया था, 4 साल बाद पता लगा नीम का है। हाँ, वो खबर एक दिन पुरानी थी, उन जर्नलिस्ट को भी एक दिन के बाद मिली है। और आप गरीदा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और ये होता है पाकिस्तान में, उन्होंने आम का पेड़ लगाया था लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो पता लगा नीम का है, तो अब उसमें खान साहब की तो कोई गलती नहीं है ना, वो बेचारे क्या करें, उन्होंने जब लगाया होगा तब तो बीज ही डाले होंगे ना, या इतना सा पौधा लगाया होगा, क्या पता क्या है। लेकिन इमरान खान को ये नहीं पता लगा कि आम का बीज और नीम के बीज में फर्क होता है। नहीं, वो उन्होंने पौधा लगाया था, नहीं उन्होंने पौधा लगाया था, मैं वो बीज में नहीं, पौधा लगाया, अच्छा पौधा लगाया, पौधा मुझे लगता है रोहित जी ने ही भेजा था, ये पौधा भी इनकी तरफ से गया, तभी इतने कंफर्ट बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि पौधा लगाया था, उन्होंने बीज नहीं लगाया था। अरे यार, कुछ ठीक करने जाते हैं वो भी उल्टा हो जाता है, इमरान खान कुछ भी करने जाते हैं उल्टा हो जाता है। हाँ, मुर्गियां दे रही थी, वो कहते अंडे क्यों नहीं निकल रहे, ये तो हालत है इमरान खान की, वही ना। अच्छा, यही कुछ चल रहा था। जी रॉय, एक्चुअली जब भी कभी कोई वीआईपी लगाता है तो वो पौधा लगाया जाता है, कभी भी बीज नहीं लगाया जाता, आप हमेशा देखेंगे वीआईपी पौधे, ठीक है। ये तो एक आरोप और लगा दिया आरजू जी का आपने। अच्छा, ये मेरे पर एक और एलिगेशन, हाँ ठीक है, वो क्योंकि मैं रोहित जी से लेके मैं ही वहां तक पहुंचाती थी। नहीं, आरजू जी को मालूम है, इसका मतलब आरजू जी इमरान खान से मिली हुई है, अब आरजू जी भी उसी जेल में होंगी जिसमें इमरान बैठा है, याद रखना। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं यार, कुछ शुभ शुभ बोले, मतलब सुबह सुबह शुरू हो गए अजीब अजीब बातें करना। देखो आरजू जी, जब हमने एक आदमी को जानता हूँ जो बहुत दिन से कोशिश कर रहा है जेल चला जाए, जा नहीं पाया अब तक,
हाँ वो मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ, आपके शो में भी नहीं आ रहा, मुझे भी टाइम नहीं दे रहा है, मैं आज उसको फोन करती हूँ, सीधा करती हूँ। समद की बात कर रहे हैं, मैं नाम भी ले लेती हूँ ताकि समद को क्लिप भेजू। समद तुम्हारा जिक्र हो रहा है, इससे पहले मैंने उस जर्नलिस्ट का नाम नहीं लिया था, अब मैंने उस पॉलिटिशियन मतलब राजनीति उतारे लेना इसी शो में, किसी को छोड़ना मत। अभी एक चीज रह गई है सुबीर सर, एक चीज रह गई जो मैंने आपको बताया, इसने मुझे रात के 2 बजे फोन किया कल रात को, ठीक है, मुझे फोन किया 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे था, अच्छा मुझे 2 दे, मुझे कहते हैं एमबीएस पर, इसका मतलब है देखा भाई तू ही बना उसके ऊपर वीडियो, मैं पिछले पिछले लोगों को भुगत रही। यार एक बात बताइए, एक बात बताइए, डिफेंस में जितनी खबरें आती हैं सारी सोर्स बेस्ड खबर होती हैं, इंटरनेशनल पे सारी सोर्स बेस्ड खबर होती हैं, क्या अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहां कहां डिप्लॉयड हैं, पाकिस्तान के कहां कहां डिप्लॉयड हैं, चाइना के कहां कहां डिप्लॉयड हैं, क्या प्रेसिडेंट ने साइन करके दिया था, यहां है सारे इतने सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारी सोर्स बेस्ड खबर होती है और सोर्स बेस्ड खबर चलाई जाती है। कौन सा ऐसा चैनल है, कौन सा ऐसा वेबसाइट तो चला रही है ना, वो सारे जो मेरे पीछे पड़े थे सब लोग, तो वो तो आपको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं ना, मुझे ही धोरे जा रहे हैं। मैडम 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 आरु जी, मैंने आज से 5 या 6 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि जब एलटीटी की वॉर हुई थी उस समय ये खबर आई थी कि प्रभाकरन की बेटी मारी गई है, मैंने उस आर्टिकल में लिखा था नहीं प्रभाकरन की बेटी मारी नहीं गई है, खबरें ये हैं कि प्रभाकरन की बेटी वहां से निकल चुकी है और माँ भी निकल, बीवी भी निकल चुकी है प्रभाकरन की, वाइफ भी। अब इस जस्ट मिनट इस मई में, इस नवंबर में प्रभाकरन की बेटी ने एक वीडियो रिलीज कर दिया है, वो सिर्फ सोर्स बेस्ड खबर थी, मेरी वो खबर भी 5 साल बाद से कंफर्म हुई है। तो सर 5 साल में मैं तो मतलब ऊपर चली जाऊंगी, लोग मुझे इतना धो रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब मेरी फोटो में हार लग जाएगा 5 साल में, तो इसलिए वो खबर आपको मुबारक हो एमबीएस की, जब बिल्कुल से मतलब हो जाए कंफर्म हो जाए पिक्चर आ जाएगी, फिर आप कुछ कह रहे थे सुमित सर, जी जी पहले बात तो मुझे ये पता क्या, आज तो मुझे लगता है कि एक चीज कंफर्म हो गई है कि आपने रात को बहुत ज्यादा दारू पी हुई थी, 2 बजे थे 4 बजे थे, मतलब कि इसी में उल्टा दो के 4 दिख रहे थे आपको, ये तो हालत है, तो दारू थोड़ा कम किया गया जी, और एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने पूछा अपने फादर से, एक बच्चे ने अपने फादर से पूछा कि ये कैसे पता लगे किसी आदमी ने बहुत पी रखी है, वो बोला कि ये सामने 2 गिलास है ना बेटा, जब ये 4 देखे तो समझ लो कि बहुत पी रखी है, बोले पापा ये तो 1 ही गिलास है। तो सोचिए कि 4 किसको दिख रहा था, सुमित सर सोचिए 4 किसको दिख रहा था, मुझे तो 2 दिख रहा था, 4 क्योंकि उन्होंने कॉल ही 12 बजे किया था, तो नहीं आपने आधी बोतल पी थी, उन्होंने पूरी बोतल पी हुई थी, जो रात वाला वीडियो जिसकी बात कर रही है वो मैंने 5 बजे लगाया सुबह, 4 बजे मेरे को ये खबर मिली है, और ये चारों ओर थी खबर, ठीक है, लेकिन हाँ कंफर्म नहीं थी, मैंने भी खबर दे दी अपनी तरफ से, बता दिया कि कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 बजे मैंने इन्हें बताई थी और 5 बजे मैंने अपना वीडियो लगाया था सुबह। आरजू जी पहली बात यह है कि जो एमपीएस वाली खबर है, वी डू नॉट नो कि ऑथेंटिक है नहीं है, कुछ वैसा हुआ है, बट एक चीज कंफर्म्ड है कि अगर इसमें इतना सा भी सच हुआ कि 3 पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे इस पूरे प्लॉट को करने के लिए, ये भी बात आई है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, अगर ऐसी कोई खबर हुई तो आप समझ लीजिए आपके जितने भिखारी वहां बैठे हैं वो सारे वापस आने वाले हैं, और आपके वहां पर कराची में ऑलरेडी 4 लाख भिखारी ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बाद क्या होगा मुझे समझ नहीं आती, लेकिन ये खबर भी आई है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। अरे ये खबर कहाँ आई है, मैंने तो नहीं देखी, सोशल मीडिया पर भी बस ऐसी ही खबर चल रही है, लेकिन खैर रोहित ने मुझे जैसे ही बताया मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। रोहित जी की कोई भी वीडियो जो आइए बताते हैं आपने बनानी ही बंद कर दी है। अरे वो छोड़ो ना, देखो एक चीज याद रखना यार, अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो तो आपकी कलम में दम होना चाहिए, आपने लिखा तो आपके अंदर दम था इसलिए आपने लिखा, आप डरे नहीं, आप सच्ची खबर भी दो तो भी, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी 50 सच्ची चीजें बोलते हैं, ओपोजिशन उसे कंडेम करता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने सारे सच बोल रहे हैं अपनी मीटिंग्स में, क्या उनको अटैक नहीं किया जा रहा है,
क्या किसी जर्नलिस्ट को हमसे पहले अटैक नहीं किया गया? क्या लोगों ने भगवान राम के खिलाफ नहीं बोला या प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ नहीं बोला? क्या वो अपने काम से हटे? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी हटे? मैं कैसे हट जाऊं? ये अपने ना स्टैंडर्ड एलिवेट करने का तरीका होता है, मतलब कि श्री राम, प्रॉफेट मोहम्मद और रोहित शर्मा, बल्कि तीनों सेम कैटेगरी। और अब लोग बोलेंगे कि लोग इतना नॉन सीरियस शो करते हैं, अभी अभी एक मैडम बैठ जाएंगी वीडियो बना। मैं इन तीनों का चेला हूँ, शिष्य हूँ, अनुयायी हूँ, मैं इन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूँ। बस आज से मैं हर जो न्यूज मिलेगी मैंने वीडियो बनानी है। इतना इसने मुझे मोटिवेट कर दिया कि अब मैं, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे जो भी हो जाए। इनका जो मोटिवेट का मतलब है, आप मोटी हो गई हैं, अपना वेट जाके चेक कर लीजिए। दिस वाज अ गुड वन। नहीं नहीं यार, मैं नहीं हुई हूँ मोटी, डोंट वरी। लेकिन एक वीडियो भी था ना थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, तो हिंदी ट्रांसलेटर बोलता है गाय के डांस के लिए शुक्रिया। ऐसा ही है। और हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, या तो सुमित सर बुला लेंगे जो बुला ही नहीं रहे, या फिर रोहित सर बुला लेंगे, वो भी नहीं बुला रहे मुझे। नहीं, मैं यकीन करती हूँ हम तीनों आपको फिर दोबारा दिखेंगे और हम इसी तरह की न्यूज कराएंगे जैसी हमने आज बताई, मतलब किसी का सर होगा ना पैर होगा उस न्यूज का, लेकिन हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू कि आज आपने ज्वाइन किया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह इन तीनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जब भी ये तीनों साथ में होते हैं तो वीडियो में हमें ना सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि काफी सारा हंसी मजाक भी होता है और वीडियो काफी एंटरटेनिंग भी होती है। इसलिए जब ये तीनों दोस्त मिलते हैं तो इनकी वीडियो देखने का मजा काफी अलग होता है। बाकी आशा करता हूँ कि चुनावों के बारे में भी आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं और आज उसका तीसरा चरण भी पूरा हो चुका है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आपके हिसाब से बीजेपी को इस बार कितनी सीट्स मिलने वाली हैं? आप अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।